सर मेरा सवाल ये कि अस्पताल अभी जो जो सिचुएशन है क्योंकि आप कुछ घंटों की सर जी कुछ आधे घंटे की ऑक्सीजन के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या आपको अस्पताल के अंदर भी प्रायोरिटाइज करना पड़ रहा है कि किसको ज्यादा जरूरत है? हर घंटे हर 30 मिनट में आपको असेस करना पड़ रहा है कि कहां पर आपको प्रायोरिटाइज करना है अपनी ऑक्सीजन को जो सप्लाई आपके पास मौजूद है, क्या ये भी अस्पतालों को करना पड़ रहा है इस समय? एक्चुअली जो पेशेंट वेंटिलेटर है उनको ऑक्सीजन से डिप्राइव भी कर सकते हैं और किसी को भी डिप्राइव नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आ जाए। अब मैं 10 बजे से पहले सुन रहा हूँ कि 15 मिनट में ट्रक आ रहा है, 15 मिनट में ट्रक आ रहा है, अब 11:15 हो गए अभी तो ऑक्सीजन पहुँची नहीं, और अब नेचुरली अब ऑक्सीजन लेवल इतने लो हो गए कि सबको थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन मिलेगी। वेंटिलेशन जो आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत है, और अब क्या करें, किसको समझाएं, किससे भी पास रोएं, कहाँ जाएं, अब सबकी कहानी एक ही है। अभी तक आपके यहाँ नहीं ऑक्सीजन पहुंची है, तो अब केंद्रीय सरकार राणा साहब ये मैं जानना चाहूंगी कि अभी अस्पताल में ऑक्सीजन कितनी देर की बची है? मैं कुछ 15-20 मिनट की नहीं ऑक्सीजन बची, हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं। अब आएगी तभी होगी, अब जब उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की, 516 पेशेंट दाखिल हैं एमरजेंसी में, लग पेशेंट है, कहाँ से कैसे जिएंगे? वो सुबह से चीख रहे हैं, वो बोलते हैं काम करो कुछ कर रहे हैं। सरकार को सीधा बताना चाहिए कितने बेड हैं, कितने बेड चला सकते हैं हम। अब 516 बेड हम चला रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, और अभी किसी भी टाइम कह रहे हैं कि और ये तो बहुत ही भयावह स्थिति है, ग्रीन कॉरिडोर से ऑक्सीजन आ रही है 15 मिनट में। ये बहुत ही भयावह स्थिति है, ग्रीन कॉरिडोर से अगर ऑक्सीजन पहुंच रही थी, हम अभी ऑक्सीजन टैंक हमारे पास पहुंच गया है, अभी ऑक्सीजन टैंक हमारे पास पहुंच गया है, तो अभी ऑक्सीजन डालेगा। ये बहुत अच्छी खबर है, हम बता दें कि हमारे पास गंगाराम अस्पताल हमारे बात करते करते ऑक्सीजन पहुंची है। लेकिन सर ये तो बहुत ही भयावह स्थिति है कि हमें हर मिनट, हम जितनी देर से आपसे बात कर रहे थे, ये जो अस्पताल में पेशेंट्स थे उन सब के लिए कितना खतरनाक स्थिति है ये, इस तरह की स्थिति से जूझना। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।